हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टैकोस, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। आपके बच्चे या हमारे बच्चे, जो भी बच्चे ज़्यादातर सब्जी और रोटी खाना नहीं पसंद करते हैं अधिकांशतम, कि आप कोई भी सब्जी दे दीजिए और रोटी दे दीजिए, उसके साथ वो खा लें, तो हमेशा वो कुछ न कुछ नौटंकी दिखाते ही रहते हैं। तो उसी का हम एक ऐसा चीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि आपके बच्चे और घर में सभी लोग बहुत ही पसंद करेंगे। तो उसके लिए एक मैंने 2 कटोरी यहाँ आटा चाल के ले लिया है पहले से ही। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ सब्जियाँ मैं बाद में ऐड करूँगी, धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊँगी। पहले मैं आपको आटा गूंथना बता दे रही हूँ। तो इसमें मैं 2 कटोरी आटा ले ली हूँ और इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा आधा टीस्पून नमक ऐड कर ले रही हूँ और कलर 2 चम्मच मैंने यहाँ बड़े साइज़ के 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिए हैं इसको मोयन के लिए। और इसमें फ्रेंड्स कलर लाने के लिए मैं डालूँगी आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, जिससे कि इसका कलर पीला हो जाए, क्योंकि टैकोस का कलर हमेशा पीला होता है। तो इसीलिए मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ज़्यादातर ये मक्के के आटा का बनता है, तो मक्के के आटा का कलर तो वैसे ही पीला होता है। तो अब इन सबको मैं मिक्स करके इसको अच्छे से गूँथ ले रही हूँ। पहले तो गूँथना तो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ फ़ोन को। तो एक हाथ से मैं इसको अभी आपको गूँथ के दिखा दे रही हूँ। जैसे नॉर्मल आटा, रोटी का आटा आप गूँथते हैं, ठीक उसी तरह से आप इसको गूँथ लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आटा को गूँथ लिया है। इसको मैं अब 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दे रही हूँ। 10 मिनट इसको रख दीजिए। तो चलिए, यहाँ अब मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें मैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। अब यहाँ मैं डालूँगी फ्रेंड्स आधा टीस्पून जीरा साबुत। फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बची हुई सब्जियां भी हैं, जैसे आलू मटर की है सब्जी अगर बची है, तो उसको भी आप इसमें स्टफिंग के यूज में आप उसको भी ला सकते हैं। बच्चे मतलब कि एक टाइम के बजाय अगर दूसरे टाइम आप देंगे तो सब्जियां नहीं खाएंगे। तो आप अगर खिलाना चाहें तो आप इस तरह से आप बनाएंगे टैकोस को तो खा लेंगे। हम यहाँ आप डालेंगे 2 हरी मिर्च काट लिए थे, इसको हल्का सा हम पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है फ्रेंड्स, बस जीरा और हरा मिर्च थोड़ा सा लाल हो जाए, फिर इसमें मैं ये बारीक प्याज काट लिया है स्लाइस में। आप चाहें तो आप छोटे टुकड़ों में भी इसको बारीक काट सकते हैं, मैंने यहाँ स्लाइस में काटा है। और यहाँ मैंने शिमला मिर्च लिया है, आपके पास अगर गाजर हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, हरी मटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब सब्जियाँ आप इसमें यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारा जीरा पक चुका है। अब इसमें मैं इन सबको डाल के हल्का सा खाली रोस्ट कर लूँगी, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस आप इसको 2 मिनट तक हल्का रोस्ट कर दीजिए, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा। अब इसका कच्चापन फ्रेंड्स निकल जाए। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स पहले 3 बड़े साइज के मैंने यहाँ आलू उबाल के इसको मैश कर दिया है। इसको आप अच्छे से मैश कर दीजिए। उबले हुए आलू को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, सब्जियों को, आलू को, आटा को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए रोस्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा आप इसको पकाइए मत, सब्जी की तरह एकदम पका दीजिए। बस हल्का सा आपको रोस्ट करना है 2 मिनट तक। हल्के ब्राउन कलर में हमारा हो चुका है। आप अगर चाहें तो कच्ची सब्जियों को भी, जैसे प्याज शिमला मिर्च काट के
आप ऐसे ही आलू में मिक्स कर सकते हैं। मैंने हल्का सा रोस्ट कर दिया, चलिए उसको मैं बंद कर देती हूँ। अब इस आलू में फ्रेंड्स मैं डालूंगी कटे हुए हरा धनिया। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वादानुसार आप नमक ले लीजिए। नमक ये है कि आटे में भी पड़ा है तो उस हिसाब से लीजिएगा ताकि ज़्यादा ना हो। फिर मैंने यहाँ लिया है आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें फ्रेंड्स अगर चाहें तो लाल मिर्च अगर आपके पास है तो उसको आप कूट के भी इसमें डाल सकते हैं, वो देखने में थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी उसका और अच्छा आता है। मैंने यहाँ कूट के नहीं डाला है क्योंकि बच्चे अगर देख लेंगे हमारे तो खाएंगे ही नहीं, तो मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप इसमें चाहें तो कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं डालूँगी नींबू का रस। फिर यहाँ इन सब चीज़ों को फ्रेंड्स हम अच्छे से मिला देंगे। और इसी में मिलाने से पहले आप इस स्टफिंग को भी इसमें डाल के मतलब आलू में मिला दीजिए। तो चलिए हम स्टफिंग को भी इसी में डाल दे रहे हैं, जो सब्जियों का जो मतलब कर किए थे क्या फ्रेंड्स। इसको मैंने मिला लिया है स्टफिंग को, सब सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से आप टैकोस के स्टफिंग के लिए आप बना लीजिए। इसी तरह से आप चाहें तो इसमें और भी हरी सब्जियां, विंग्स हुआ, गाजर हुआ, मटर हुआ, ये सब इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार आप इससे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, आपके बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। ज़्यादातर बच्चों की नौटंकी रहती है कि हम नहीं खाएंगे सब्जी रोटी, तो आप उसी को आप कुछ अलग तरीके से बना के खिलाएंगे तो सारे बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे और घर के लोगों को भी पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसका ये तो हमारा बन चुका है, अब इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ। चलिए तो आगे का फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ तवा को रख लिया है, आप कोई भी तवा आप ले लीजिए। मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़े साइज का तवा लिया है ताकि इस पर 2-3 पूड़ियाँ अच्छे से रोटियाँ सेक सकूँ। तो यहाँ मैंने आटे को ले लिया है यहाँ। अब इसको मैं बेलूंगी, आप चाहिए तो बड़ा सा बेल के किसी बर्तन से काट लीजिए ताकि एक ही साइज का हो। यहाँ मैं पूड़ियों की तरह बेल रही हूँ, आप चाहें तो इसको जिस साइज की पूड़ी होती है उस साइज का भी बेल लीजिए, और नहीं तो फिर इसको बड़ा सा बेल के आप किसी बर्तन से काट लीजिए। आप एकदम पतला इसको बेल लीजिए, आप अपने हिसाब से इसका छोटा बड़ा साइज ले सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा तवा ये गर्म हो चुका है, अब मैं यहाँ 3 पूड़ियाँ बेल ली हूँ एक ही साइज के। आप अगर एक साइज के नहीं बेल पा रहे हैं तो आप इसको काट लीजिए किसी बर्तन से बड़ा सा बेल के तवे पे, और इसको काट लीजिए। मैं यहाँ 2 से 3 एक साथ इसको सेक लूँगी, इसीलिए मैंने इस बड़े से तवे को चढ़ाया है। तो इसको ज़्यादा नहीं सेकना है फ्रेंड्स, हल्का ही रोस्ट करना है बस इसको, और मीडियम फ्लेम में हमेशा इसको जब भी सेकिए तो मीडियम फ्लेम में बनाइए। इसको आपको हल्का ही सेकना है, पूरी तरह से पकाना नहीं है इसको। इस तरह से देखिए, इस तरह से अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको और कर दे रहे हैं इस तरह से, बस हल्का सा ही इसको पकाना है फ्रेंड्स। अब इसमें फ्रेंड्स मैं अब स्टफिंग इसको भरूंगी।
आप इसमें चाहें तो जैसे आपके पास पनीर है तो पनीर भी इसको घिस कर डाल सकते हैं, अगर पनीर नहीं है तो आपके पास चीज़ है उसको डाल दीजिए, और अगर कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको भी डाल के बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो अब इसमें मेरे पास फ्रेंड्स इस टाइम चीज़ अवेलेबल है तो मैं चीज़ इस पर घिस कर डाल दे रही हूँ। यहाँ मैंने फ्रेंड्स ये अमूल चीज़ है, ये मैंने इसको इसी पे घिस दे रही हूँ, इससे थोड़ा सा टेस्ट क्या होता है और भी अच्छा हो जाता है। फिलहाल आप अगर इसके बिना भी बनाएंगे तो भी लोग पसंद करेंगे, अच्छा लगता है। अब इसको फ्रेंड्स अच्छे से इसको आप फोल्ड कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से हमारा टैकोस बनेगा। चलिए तो हम और दो बना लेते हैं, एक आपको हम पनीर वाला भी बना के दिखाएंगे। हमारे यहाँ पनीर भी है, दोनों चीज़ अवेलेबल इस टाइम है तो सोचे कि हम आपको दोनों दिखा दें। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स पनीर ले लिया है, यहाँ ये जो रोटी है पहले मैं इसको रोटी पे घिस दे रही हूँ, पनीर का टेस्ट बच्चों को और भी अच्छा लगता है, तो पनीर का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो और भी ये टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने घिस लिया है, अब इसमें मैं इस स्टफिंग को डालूँगी। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, एकदम देसी टाइप का ये हम बना रहे हैं, जो कि सारे चीज़ आपके घरों में अवेलेबल हमेशा रहते हैं, आप कभी भी इसको बना के रख सकते हैं। रोटी और स्टफिंग को आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, जैसे सुबह आपको जल्दी है तो शाम को आप इसको बना के रख दीजिए, फिर सुबह इसको फ्राई करके आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। बहुत से हमारे बेटियां बहनें सब हैं, उन लोगों को ऑफिस जाना रहता है या कॉलेज जैसे जल्दी रहता है, तो उन सब के लिए तो ये बेस्ट होता है ये ब्रेकफास्ट। आप इसको ब्रेकफास्ट में या फिर यूज़ कर सकते हैं या फिर लंच में यूज कर सकते हैं। तो एक फ्रेंड्स हमारी पनीर हो गई, पनीर की टैकोज और चीज़ टैकोज, तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। वो तो मैंने दो टाइप का आपको बनाना दिखाया, और मैं यहाँ ये टोमेटो सॉस ले ली हूँ। टोमेटो सॉस आप लगा के अगर बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनेगा और भी अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास टोमेटो सॉस है तो उसको लगाइए, अगर नहीं है तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, अगर है तो ज़रूर आप इसको लगा के बनाइए। पिज्जा सॉस हुआ या फिर टोमेटो सॉस हुआ, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे लगा के बनाइए इसको, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। तो उसी तरह से फ्रेंड्स मैंने इसमें भी स्टफिंग को डाल दिया है और इसके ऊपर मैं चीज़ को घिस दे रही हूँ। आपको मैं तीन टाइप का बनाना टैकोज बता रही हूँ, जो कि एकदम इजी है और हमेशा आपके घरों में सामान ये सब अवेलेबल रहते हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि जो चीज़ घर में अवेलेबल हो वही उसी का हम आपको रेसिपी बना के दिखाएँ, क्योंकि अधिकांशतः घरों में हर चीज़ नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को बनाने में, चाह के भी नहीं बना पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा बनाएं जो कि लोग पसंद भी करें और उनका काम भी हो जाए, खाने में भी अच्छा लगे और ज़्यादा परेशानी भी न हो। अब फ्रेंड्स मैंने उसी तवे पे इसको फिर से मैं सेकूंगी, इसको फ्राई हल्का सा करूँगी। ये मैंने तेल को अच्छे से लगा दिया है सेकने के लिए तवे पे, और इसको आप हल्के हल्के से इसको सेक दीजिए गोल्डन कलर आने के लिए। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत मतलब आपको कठिनाई नहीं होगी बनाने में, बस थोड़ा सा आपको देखने में भले लगे लेकिन बनाना बहुत ही इजी है। और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड्स। इसको हल्के हल्के हाथों से आप इसको सेक दीजिए। आप इसको बीच में भी इस तरह से इसको उठा के इसको बीच बीच में भी फ्रेंड्स सेक दीजिए। नीचे का जो होता है हिस्सा उसको भी आप अच्छे से इसको सेक दीजिएगा ताकि कच्चापन न रहे उसमें, अच्छे से ये पक जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको निकाल दिया है, आप देख सकते हैं कि कितना ये हमारा टेस्टी बना हुआ है। आप इसको टमाटो सॉस या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मतलब आप इसको इसी तरह से भी खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो आज का हमारा यही रेसिपी था फ्रेंड्स। आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारी रेसिपी, और एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो और रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना न भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए आपके पास, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके पास, और आप देख सकें कि हम कौन कौन से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको अगर गार्डनिंग की शौक़ हो है तो गार्डनिंग का भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और कुकिंग का भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।